मध्य प्रदेश की हजारों आशा कार्यकर्ता सरकार की वादा खिलाफी और बेरुखी से नाखुश और नाराज हैं। विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने आशा उषा कार्यकर्ताओं की महापंचायत में घोषणा की थी कि आशा और उषा कार्यकर्ताओं का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 6000 रुपए किया जाएगा। वादा पूरा हुआ तो बस 2 महीने के लिए, उसके बाद बढ़ा हुआ मानदेय तो छोड़िए, उनको मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में भी कटौती की जा रही है। देखिए एनडीटीवी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इलाज में सर पैसों ज़्यादा लगता है और पैसे मेरा पूरा आ नहीं पा रहा है सर। मानदेय मुझे कट कट के मिल रहा है, तो सर अभी भी मुझे डॉक्टर ने इलाज के लिए बुलाया, लेकिन पैसों के प्रॉब्लम के कारण मैं आज जाना था मुझे, लेकिन मैं नहीं जा पाया। स्वास्थ्य विभाग का पूरा काम कर रहे हो सर, इस बीच में पंचायत वालों का भी कोई काम आ जाता तो वो भी हमारे ऊपर सौंप देते, तो उस काम को भी करते। जुलाई में वादा करा था, लेकिन सितंबर में एक ही महीना का पेमेंट आया, उसके बाद कोई पेमेंट नहीं आया। अब तो जो पेमेंट आ रहा है, जो 2000 हमारा पहले से वो आ रहा है, और 1-2 हजार डिलीवरी का या टीकाकरण का ये आता। अच्छा, मैसेज आता होगा फिर? हाँ, एसएमएस आता है सर, कभी 10,000, 12,000, 8,000, लेकिन मानदेय पूरा नहीं आ रहा, कट कट के आ रहा है। कभी 3,000 आता, कभी 4,000, 2,000, इससे ज्यादा नहीं हो जाता है, नहीं हो पा रहा सर, कुछ भी नहीं हो पा रहा, बस घर में नमक मिर्ची का ही खर्चा चल रहा है। ये करो, आप BCG का सर्वे करो, JEE का सर्वे करो, बच्चों का टीकाकरण करवाओ, परिवार नियोजन पे करो, सारा कुछ काम बता रहे पर पैसों नहीं आ पा रहे, सारे काम बता रहे हम लोगों को, और अगर एक भी काम नहीं हो पाए तो उसके लिए नहीं करोगी तो तुम्हारे बस की नहीं, चल छोड़ दो। बच्चों की पढ़ाई चल रही, सारे कुछ घर के काम नहीं हो पा रहे, बजट नहीं हो पा रहा है अपने। अब जब भी बोलते थे कि हाँ बजट आएगा तो दे देंगे, काम तो करो। सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं, जो हमसे उनने बोला था कि 6,000 पेमेंट दी जाएगी तो हम काम के ऊपर भी मिलेंगे, लेकिन 6,000 तुमको दी जाएगी, तो काम के ऊपर तो मिल ही नहीं रहा है, लेकिन वो 6,000 भी। मेरी बहनों, आपको एक तो मिलता इंसेंटिव, दूसरा मानदेय भी 2,000 रुपया हमने प्रारंभ किया था। मैं जानता हूं कि जिस स्तर का आपका काम है, अब लगभग पूरा समय हमारा जनता के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए गुजरता है, और इसलिए 2,000 रुपये का मानदेय ये काफी कम है, इसको बढ़ा के मैं 6,000 रुपये करने के निर्देश देता हूँ। जब भी जाते हैं पूछते हैं तो बोलते हैं बजट नहीं है, बजट नहीं, और काम लगातार करवाया जा रहा है सर। अक्टूबर का भी अभी आधा पेमेंट हुआ है, नवंबर का भी आधा, दिसंबर का भी आधा, और जनवरी का तो अभी 1 रुपया भी नहीं मिला है सर। पोर्टल पे हर महीने चढ़ रहा है हमारा पैसा, लेकिन उसमें लिख के आते हैं कि आपको इतना प्रोत्साहन राशि दी गई, खाते से मिलाओ, खाते में जाके मिलाओ तो आधे ही पैसे रहते हैं। जनवरी का तो अभी 1 रुपया भी नहीं मिला। मेरा बच्चा 11th क्लास में, अभी मैंने 2 इंस्टॉलमेंट भरी है उसकी, तीसरी तो उसका कल से एग्जाम है 11th का, और स्कूल वाले उसको बिठा भी नहीं रहे, उसकी फीस भरना मुझे बहुत परेशान है, और फीस के लिए अभी मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरी पेमेंट ही नहीं आ पा रही है टाइम से। हम लोगों को अभी सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है ऑनलाइन काम में, तो हमारे पास डाटा के भी पैसे ना, हमें डाटा दिया जाता है ना, हमारे पास ढंग का फ़ोन है, जो फ़ोन दिया था उस पर वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, किसी भी लिंक को। और सबसे ज़्यादा हमें अभी आयुष्मान वेरिफिकेशन हमसे ही करवाया गया, पैसा तो सर 0 मिल रहा है, 0 बिल्कुल, अभी कुछ भी नहीं, मतलब इतना परेशान है, हम पैसे के लिए बता नहीं सकते। हर महीने शहरी से लेके ग्रामीण सभी जगह आंदोलन होता है, NHM वालों से भी बोलते तो वो बोल देते हैं बजट नहीं है। अब बजट नहीं है तो फिर काम मत करवाइए। सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु जब से हम लोग आए कितना कम हुआ है, उन्हीं के लिए हम लोग रात दिन भाग रहे हैं। अभी मैं सुबह 5 बजे से घर से निकली हूँ, बच्चों का लंच भी नहीं बनाया, मैं आ गई क्योंकि डिलीवरी केस था उसके साथ, लेकिन पैसे नहीं मिल पा। आशा कार्यकर्ताओं को जो मानदेय है वो कटकर मिल रहा है, उनसे वादा किया गया था कि उनको 4,000 बढ़ा के मान देंगे, लेकिन अभी रुका हुआ आ रहा है। क्या बोल रहे हैं ये आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय कटने लगा? क्या कट के मिल रहा है उनको?
थोड़ा सा पहले आप ले लीजिए, क्या बोलना है पहले इनको समझाइए। जी जी बता रहा हूँ ना सर, वादा किया था उनसे बढ़ा हुआ देने का, लेकिन जुलाई में आशा कार्यकर्ताओं से वादा करा गया था कि उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, पर हकीकत में मानदेय बढ़ाया नहीं गई। 2 महीने के लिए सिर्फ 4,000 बढ़ाया और वापस से 2,000 कर दिया गया। उल्टा प्रोत्साहन राशि भी कम करते चले जा रहे हैं। तो ये जो आशा कार्यकर्ता, जब अगर किसी महिला का प्रसव हो तो आशा कार्यकर्ता याद आती है, वैक्सीनेशन हो या टीकाकरण हो तो आशा कार्यकर्ता याद आती है, पोषण आहार देना हो तो आशा कार्यकर्ता याद आती है। जब उनके अधिकार की बात आती है, सरकार उनके अधिकार को क्यों भूल जाती है? सरकार को इस चीज पर संज्ञान लेना चाहिए और जो हक आशा कार्यकर्ताओं को, उसको जल्द से जल्द देना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारकर उन्हें जन जन तक पहुंचाने वाली आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय कटकर मिल रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब दूसरे विभाग के और इन्हीं के विभाग के अन्य कर्मचारियों को पूरा वेतन मिल रहा है तो फिर इनके साथ भेदभाव क्यों? कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इसारसन खान।